वेलकम टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चे जैसे हमारे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, तो एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे, चीज़ों को छुपाने लगते हैं और बहुत चीज़ें वो बताना नहीं चाहते हैं। और प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब बच्चे हमसे झूठ बोलने लगते हैं और वो विजिबल होने लगता है। शुरू में तो हम उनकी शरारत समझते हैं, लगता है चलो कोई नहीं, बच्चे खेल खेल में कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और फिर लगता है कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पेरेंटिंग वीडियो है ये, कि बच्चों की झूठ बोलने की जो आदत है उसको कैसे छुड़ाएं और शुरुआत में ही कैसे इसको टैकल करें कि बच्चे इस चीज को समझे कि उन्हें झूठ नहीं बोलना है। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ नई नई चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, कई तरह के बच्चे मिलते हैं, कई तरह की स्टोरीज वो सुनते हैं। नीचे प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं, वहाँ भी वो नई नए थॉट्स एक्सपोज होते हैं। हमें लगता है हमने घर में तो नहीं सिखाया, फिर बच्चे कैसे सीख गए। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आपसे सीख रहे हो, वो एनवायरमेंट को देख देख के, ऑब्जर्व करके, बच्चे क्योंकि बहुत ध्यान से हर चीज़ को देखते हैं तो वो सीखने लगते हैं। अगर आप, मैं आपकी बात करूँ तो आप झूठ कब बोलना चाहती हैं, या आप कब लगता है कि चलो यहाँ झूठ बोल दो बच जाएंगे? कब? जब किसी चीज़ से डर लग रहा हो, जब लग रहा होगा कि सामने वाला बहुत गुस्सा करेगा, हो सकता है मेरी पिटाई हो जाए, तो वहाँ वहाँ हम झूठ बोलते हैं। जब लगता है कि नहीं नहीं ये झूठ से कुछ हार्म नहीं होगा बट वो खुश रहेगा, तो चलो झूठ बोल दो। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम झूठ बोलते हैं। तो बच्चों के साथ भी सेम होता है, बच्चे को लगता है कि मम्मा को क्या ही पता लगेगा, मम्मा को बोल देते हैं मम्मा खुश हो जाएगी, मम्मा ढूंढेगी भी नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कुछ चीज़ दिखानी थी, बहुत बेसिक में बता रही हूँ, फिर आपने पूछा बच्चे से कि आपने खाया, तो वो कह देगा हाँ मैंने खाया, उसे लगता है मैंने तो नहीं खाया, मैंने फ्रेंड को दिया, पर मम्मा को क्या ही पता चलेगा। सेकंड टाइम आपने उसे कुछ पैसे दिए, स्कूल में किसी चीज़ का सबमिशन था तो आपने पूछा कि सबमिट हुआ, तो आपने कहा हाँ, तो बच्चे ने कहा हाँ, तो बच्चे ने सोचा कि मम्मा को क्या ही पता चलेगा, बट यहाँ क्या है, टीचर से कन्फर्म करते हो आपको पता चल जाता है। थर्ड टाइम क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स छुपाने लगते हैं आपसे, वो कहीं जाते हैं गिर जाते हैं चोट लगती है, फिर जब आप उनसे पूछते हो तो स्टोरी फैब्रिकेट करने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं सच बताऊंगा तो मम्मा मुझे कल से खेलने नहीं जाने देगी, तो वहाँ बच्चे झूठ बनाने, झूठ बोलने लगते हैं और कहानियाँ बनाने लगते हैं, तो यहाँ भी आप पकड़ लेते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, ये हैबिट हो गई है, तो इसको कैसे रोकना है? तो देखिए, फर्स्ट टाइम ही जब लगे ना कि बच्चे से आप कुछ पूछ रहे हो, बच्चा कुछ सही जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ बहुत प्यार से पूछे, बहुत प्यार से पूछे कि अच्छा आपने फ्रेंड को दिया था ना, मुझे पता है, और कुछ ऐसे ऑप्शन दे जो लगता है आपको कि वो सही हो सकता है। तो बच्चा कुछ ना हाँ करेगा, लेकिन एक ना एक ऑप्शन में वो हाँ कर ही देगा। फिर आप उनको वहाँ समझाना है कि चलिए आपने दिया अच्छी बात है, बट झूठ नहीं बोलना है, मम्मा गुस्सा क्यों करेगी, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको बताना है झूठ बोलना गलत होता है, मम्मा पापा से कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये चीज़ें आप उनको बार बार बोलेंगे। सेकेंड सर्कमस्टांस में क्या होता है कि आप पैसे देते हैं किसी चीज़ के सबमिशन के लिए, बच्चे वो इधर उधर मिस कर देते हैं, वो डर से आपको बताते नहीं है कि मम्मा गुस्सा करेगी, आप टीचर से तो आपने वेरीफाई कर लिया कि टीचर को मिला नहीं पैसे, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बच्चे से बहुत प्यार से पूछना है कि मैम ने पैसे लिए आपसे, मैम ने कुछ नोट्स लिखवाए हैं, कुछ कहीं साइन किया है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पूछे जहाँ बच्चा स्टोरी फैब्रिकेट नहीं कर पाए। फिर आप उनको बहुत प्यार से पूछना कि क्या हुआ मुझे बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, गुस्सा मैं क्यों करूँगी, आपसे किसी ने छीन लिए, चोरी हो गया पैसे, या कुछ ऐसा हुआ तो आप मुझे बताओ। फिर बच्चा हो सकता है आपसे बोले कि किसी ने छीन लिया मुझसे, या फिर मुझसे खो गया, फिर वहाँ उनकी बहुत प्यार से काउंसलिंग करें, उनको बोले कि जो भी हो आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर सब बच्चे आपको झूठे झूठे बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोलना है, जो भी चीज़ें आपको सच बतानी है, पेरेंट्स आपको नहीं डांटेंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है ना कि बच्चे खेल खेल में चोट लगाते हैं, आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन फिर उनको ये डर होता है कि अगर मैं मम्मा को बताऊंगा तो मम्मा मेरे नीचे खेलने जाना बंद कर देगी, तो वहाँ आप जब उनसे पूछते हो उनको कितनी तेज चोट लगी हो वो सच नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बहुत प्यार से दुलार से पूछना है, काउंसलिंग करनी है कि चलो मैं आपका खेलना बंद नहीं करूँगी, मुझे पता है खेलना इज इम्पॉर्टेंट, बट ये चोट कैसे लगी ये मुझे बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। फिर जब आपको समझ में आ जाए फिर उनकी धीरे धीरे काउंसलिंग करें, क्योंकि जब भी आप अपना गुस्सा वाला रूप दिखाते हो या फिर एकदम डांटते हो, तुमने ये झूठ बोला मुझसे, मैं तुम्हारी पैंट बजा दूंगी, मैं तुम्हारा खेलना बंद कर दूंगी, मैं तुम्हारा पिज्जा बंद कर दूंगी, जब हम धमकी देते हैं ना तो बच्चे को लगता है कि यार सच बोलना ही नहीं, सच बोलने से क्या ही फायदा है, मम्मा पापा तो वैसे ही बिहेव करते हैं, तो बढ़िया है ना झूठ बोल दो, उनको पता नहीं चलेगा, तो ये हैबिट बनती चली जाएगी। इसीलिए कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका झूठ बोल रहा है, वो पता चल जाता है बच्चे जब झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए स्टोरी फैब्रिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो शुरू में ही टोकें,
उनकी काउंसलिंग करें, उनसे बातें करें और इस चीज को समझे कि कहाँ गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे गुस्सा होने की वजह से बच्चा झूठ बोल रहा है, कि मम्मा गुस्सा करेगी, पापा गुस्सा करेंगे, मैं झूठ बोल दूँ नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो ये होता है, कॉन्शियसली बच्चे डरते हैं। इसीलिए एज अ पेरेंट हमें थोड़ा काम रहना है, हमें बच्चे की काउंसलिंग करनी है, पेशेंस रखना है, ताकि बच्चों में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये बच्चे, ये सब सारी चीजें स्टार्ट होती है आपको UKG नर्सरी, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है आपको UKG 1 2, इन सब क्लासेस में स्टार्ट होती है सारी चीजें। तो यहीं पे आपको रोकना है, यहीं पे संभालना है। और बच्चे जब भी स्कूल से आए ना, तो उनसे आप बातें जरूर करना, स्कूल की चीजें जरूर पूछना है, या बच्चे नीचे से खेल कर आए तो उनसे आप बातें जरूर करना। ये होना चाहिए कि आपके साथ बच्चे का एक ओपन कन्वर्सेशन हो, बच्चे को ये लगे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं पेरेंट्स के पास जाऊंगा, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी। तो ये बच्चे को विश्वास दिलाना है कि आप उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और ये करते भी हो, लेकिन बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलेना। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी इसी सब चीजों में ना बच्चे को बहुत लोग एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि पेरेंट्स से डरता है, ये सही चीज तो बताएगा नहीं पेरेंट्स को, क्योंकि गुस्सा करेंगे, इसकी बात नहीं सुनते हैं पेरेंट्स। तो वहां पे बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। इसीलिए आपके बच्चे उन पर भरोसा रखें, उनसे ओपन कन्वर्सेशन रखें, ताकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो फट से आपको आके बता सके और आप एक सॉल्यूशन दे सको। ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी जरूर देखें। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।